विचार दो प्रकार के, एक प्रकार का विचार हमको अपने से दूर ले जाता है और दूसरे प्रकार का विचार हमको अपने पास लौटा के ले आता है। जो विचार हमको अपने से दूर ले जाते हैं उसको चिंता कहते हैं। इतने लोग आने वाले खाने के लिए, गैस नहीं है, पता नहीं क्या करे, ये चिंता है। और चिंतन क्या है? लोग आने वाले खाने के लिए, हु केयर, लेट देम सफर, एंजॉय। चिंतन करने से मनुष्य अपने पास रहता है और चिंता करने से अपने से दूर भटकता है। हम लोग जो विचार करते हैं, इन विचारों का विश्लेषण हम इस प्रकार से नहीं करते कि हम चिंतन कर रहे हैं या चिंता कर रहे हैं। एक बार मुझे किसी ने पूछा था, स्वामी जी आप हमेशा ऐसे रहते हो, आप कभी चिंता करते हो क्या? हाँ करता हूं। किसकी चिंता? मैं चिंता करता हूं भगवान की। बेचारा भगवान कितना फ्रस्ट्रेट होगा जिसने ये दुनिया बनाई और उसने सोचा कि मैंने अपनी माया से ये दुनिया बनाई और इसमें जो जीव है वो भटक रहे हैं, लेकिन असल में उल्टा हुआ है, जीव की माया से भगवान भटक रहा है। देखो भगवान फ्रस्ट्रेट है, ये मेरी चिंता होती है। तो चिंतन करना माने जो विचार हमको अपूर्ण से पूर्ण के तरफ ले जाएंगे वो चिंतन, और जो पूर्ण को अपूर्ण में खींच के ले आएगा वो चिंता। देखो, और इसीलिए जब हम भागवत की कथा करते हैं, सुनते हैं, तो वह चिंतन करने की प्रक्रिया हमको सीखनी है। देखो संतो, ये बहुत महत्व की बात है। जितना भी आप अध्ययन करो, गीता, उपनिषद, रामायण, किसका भी अध्ययन करो, आप ध्यान इधर रखना है कि हम विचार कैसा करना है, क्या ये सीखे या नहीं सीखे, हमको ये सीखना है। हाउ टू थिंक, हर चीज सीखनी पड़ती है, ये तो समझ में आता है। रोटी कैसी बेलना सीखना पड़ता है, चाय कैसी बनाना सीखना पड़ता है। एक बार एक सज्जन को पूछा, भाई आप खाना बना सकते हो? क्या? हाँ मैं पानी गर्म कर सकता हूं, इसके आगे कुछ नहीं। उसी प्रकार से विचार कैसे करना ये भी सीखना पड़ता है। तो विचार करने की प्रक्रिया जिन ग्रंथों में प्राप्त होती है उनको आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं। और फिर उस विचार करने की प्रक्रिया में हम तात्पर्य निर्णय कर सकते हैं क्या? तात्पर्य निर्णय माने कोई भी बात जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं उसका तात्पर्य क्या है, ये बात किस लिए कही गई। यदि वो तात्पर्य समझ में नहीं आया तो हमने विचार करने को सीखा ही नहीं। देखो जैसे एक उदाहरण दूं आपको, कैसे मनुष्य विचार नहीं करता, क्योंकि तात्पर्य निर्णय नहीं हो रहा है। जो व्यक्ति संसार में फंसा है उसको उन साधु संतों के अनुभव कैसे होंगे जो परमात्मा में स्थित है, ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे साधु संतों के अनुभव कैसे होंगे, ये संसारी आदमी नहीं समझ सकता। अब ये सिद्धांत समझाने के लिए एक कहानी बताई। एक बार एक समुन्दर का फिश, मछली, एक कुएं में आई और कुएं में एक मेंढक था, और जैसे ये मछली आई तो मेंढक ने देखा कोई तो भी एलियन आया है बाहर से, कौन है? उसको पूछा, तुम कौन हो? बोले मैं मछली हूं। बोले कहां से आए हो? बोले समुन्दर से। बोले समुन्दर क्या होता है? समुन्दर पानी का संग्रह होता है। कितना पानी? फिर मछली क्या सोच सकती है, ये मेंढक क्या सोच सकता है? उसने अपने छोटे हाथों से दिखाया, इतना पानी। तो मछली को गर्दन नहीं होती, इसीलिए दुम हिला के बताया, नहीं नहीं। फिर
इतना पानी, दो हाथ ले लिए, इतना पानी है समुन्द्र में। तो मछली ने कहा नहीं। फिर इसको बड़ा गुस्सा आया, मछली वो मेंढक ने एक छलांग लगाई पानी में, कुएं के अंदर इतना पानी, बोले नहीं बाबा। फिर और गुस्सा आया, फिर दीवाल से दीवाल तक डायगोनली पूरी एक छलांग लगाई, इतना पानी होता है? तो मछली कहती नहीं। फिर कितना होता है? बोले चलो मेरे साथ। और दोनों पहुंच गए समुन्द्र। समुद्र पहुंचने के पश्चात अब ये मछली पूछती है कितना पानी है मुझे बताओ। तो इस कहानी का तात्पर्य निर्णय क्या है कि जो व्यक्ति संसार में फंसा है उसको ब्रह्मानंद का थोड़ा भी स्वरूप समझ में नहीं आ सकता, ये तात्पर्य है। अब एक बुढ़ाऊ हमारे सामने बैठे हुए थे, बड़े सीरियसली धोती बीती पहने, बड़े धर्मशास्त्र की रक्षा करने वाले। उन्होंने हमको पूछा, स्वामी जी मुझे एक पूछना है। मैंने क्या पूछना है? ये जो मछली जो थी ये कुएं में कैसी गई? तो मैंने कहा उसने किंगफिशर लिया था, किंगफिशर फ्लाइट लेकर के वो वहां पहुंच गई। अब देखो इस कहानी का तात्पर्य क्या था और समझा क्या, यही है विचार की प्रक्रिया। जब ये विचार की प्रक्रिया हम समझ लेते हैं ना, तब आपको ध्यान से सुनना, अपने जीवन के हर एक अनुभूति में परमात्मा प्रकट होता है। जिस दिन हमारे जीवन के हर एक अनुभूति में परमात्मा का प्राकट्य समझ में आ जाएगा, तब समझ लेना हमने आध्यात्म में योग्य दिशा में अपनी यात्रा प्रारंभ करी है। और उसके लिए शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। तो जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हम ये दुनिया के बारे में विचार चिंतन करना, फ्रस्ट्रेट होना हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। We'll be right back.